ऐसा लग रहा था कि स्कूटर अगर नहीं आएगा हमारे पास और कैंसिल और हो जाए कैंसिल हो जाए तो ही अच्छा हमारे है। लिए अच्छा है क्योंकि ये डिफेक्टिव चीज है। हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल, दिस इज शांतिका एंड दिस इज श्रीदेव। यस, सो हम लोग फिर से आ चुके हैं एक नया वीडियो लेके ऑफ ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर। दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ आवर प्रीवियस वीडियो, सो इफ यू हैवंट सीन आवर प्रीवियस वीडियो देन वील शेयर द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू शेयर अबाउट द रजिस्ट्रेशन स्टेटस ऑफ आवर इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑफ ओला। यस, एंड आज ही हमारे एक दोस्त ने ओला स्कूटर का डिलीवरी पाया है, तो उनका जो एक्सपीरियंस रहा है वो भी हम लोग इसी वीडियो में शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। सो बी विद अस। सो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एक एग्जीक्यूटिव से हमें हमारा बात हुआ है ऑफ ओला इलेक्ट्रिक व्हीकल। सो उन्होंने बताया था कि रात को 8 बजे तक वो हमको कॉल करके बताएंगे कि क्या प्रोसीडियर्स हैं एंड ऑल। बट हम लोग 8 बजे तक वेट किया बट कोई कॉल नहीं आया, एंड देन वी कॉल देम अगेन। सो आफ्टर वी कॉल देम, one executive received our call and he told us that don't send any IDs of yours through mail ID, which is fake. क्योंकि हम लोग कोई मेल आई डी में ऐसा कुछ भी रिसीव नहीं कर रहे हैं, तो ये फेक है, पूरा की पूरा 100% फेक है। एंड जो थर्ड पार्टी है तो वो आप लोगों के डोर स्टेप में जाके आपका हार्ड कॉपी, मतलब आईडीज का हार्ड कॉपी कलेक्ट करेंगे, तो आप लोग ऐसा कुछ भी मत भेजिए। तो हमने सोचा कि चलो सही है, क्योंकि हमारे एक दोस्त ने भी बताया था कि उनका भी डोर स्टेप में आके ऐसा हुआ है, लेके गया है, तो हमने मान लिया चलो ठीक है। देन नेक्स्ट डे हम लोग दोपहर तक वेट किया कि चलो आज कोई कॉल आएगा या फिर कोई तो आएगा बंदा कि हमारा जो आईडीज है वो लेके जाएगा उसका सॉफ्ट कॉपीज, सॉरी उसका हार्ड कॉपीज या फिर उसका फोटोकॉपी। देन कोई भी नहीं आया। देन दोपहर को हमने फिर से ओला हेल्पलाइन में कॉल किया, एंड देन व्हाट हैपेंड, ओला हेल्पलाइन में उस दिन मैंने 3 या 4 बार कॉल किया तो सभी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स ने मुझे एक ही चीज बोला कि ईमेल आईडी में ही भेजना है, और जो ईमेल आईडी अभी इस टाइम दिया है उन लोगों ने, दिया था उन लोगों ने, तो दैट वाज करेक्ट ऑन, एंड दैट वाज फॉर ईच एंड एवरी व्हाट वाज शेयर्ड बाय ईच एंड एवरी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव इज कंप्लीटली रिजेंबल्स। सो मैंने उसी ईमेल आईडी में भेजा, एंड मैंने बार बार उन लोगों को पूछ के कंफर्म किया कि ये ईमेल आईडी फेक तो नहीं है ना, क्योंकि ये ईमेल आईडी अगर फेक होगा तो मेरा ऑब्वियसली मेरा डॉक्यूमेंट्स गलत हाथ में चला जाएगा, सो विच आई डोंट वांट ऑब्वियसली। तो उन लोगों से मैं बार बार बोल के कंफर्म किया कि ये ईमेल आईडी करेक्ट है कि नहीं, एंड उन्होंने बोला कि ये सर लास्ट डे तक, मतलब प्रीवियस डे तक उनके पास ऐसा कोई कंफर्मेशन ही नहीं था कि आपको मेल आईडी पे भेजना है। द डेट वाज 30 दिसंबर 2021, सो 30 दिसंबर तक उनके पास कोई कंफर्मेशन नहीं था कि मेल पे भेजना है या फिर वो लोग डोर स्टेप में आके हमारा आईडीज कलेक्ट करेगा, तो ऐसा सीन रहा। बट 31st वाज द लास्ट डेट ऑफ द ओला स्कूटर डिलीवरी। सो वो जो रिकॉर्डिंग है, मैंने एक एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के लिए मैंने उसको रिकॉर्ड किया है, सो प्लीज लिसन टू इट। ओके, सो आई एम क्वाइट अनसर्टेन दैट वेदर इट इज अ फ्रॉड और नॉट। एक्चुअली नाउ यू आर सेइंग मी दैट सेंड अ ईमेल, यस्टरडे ईमेल वाज रॉन्ग एंड टुडे आई गॉट अ राइट ईमेल, एंड यस्टरडे नाइट वन ऑफ योर रिप्रेजेंटेटिव टोल्ड मी दैट देयर इज नो सच ईमेल, आई एम नॉट सपोज टू सेंड एनी मेल टू एनीबडी। हाँ, सो वॉट इज हैपनिंग मीन्स एवरीथिंग इज कम्प्लीटली मेस्ड अप, सो हाउ कैन आई ट्रस्ट यू पीपल, आई डोंट नो मीन्स। सर वाई, बिकॉज वी डोंट हैव दैट कन्फर्मेशन सर, वाई बिकॉज इट्स न्यू अपडेट फॉर अस सर, दैट्स व्हाई आई एम टोल्डिंग लाइक दैट सर, सॉरी फॉर दैट। ओके, इट्स अ न्यू अपडेट, सो आर यू श्योर, कैन यू टेल मी द करेक्ट ईमेल आई डी नाउ? ओके, how can I confirm that it is not a fraud, and if I send a mail to this number, sir, to this email, we only providing, no sir, it's not a fraud email ID sir. Okay, that is for sure, because yesterday night somebody told me from your team only, I called in this number, his name, I can tell his name also, and not only he has confirmed this thing to his manager,
that whether there is Okay. a email I need to send any of my documents to any email or not. Then he and his manager both has confirmed to me that it is a Yeah. fraud that if I send any email, I shouldn't send any email to anybody. So can you confirm that? Still yesterday we don't know that update, sir. Today onwards they are giving the update for like that, sir. That's why they are providing you, sir. Okay, so it is for sure that it is not a fraud, or it will not hamper anything of mine. No, sir. It's sure, sir. It's not a fraud. Okay, since why I am asking it over and over again, because Yeah, I understand that, sir. because I am quite confused that what you people are doing, seriously. Because Yeah, yesterday sir. whole day the email ID was wrong, and you all given me wrong email ID. Sorry for that, sir. We don't know the update of that, sir. That's why we are not idea about that. Oh, yes. So now the status is that I sent the mail to that particular email ID, and the person who received that email received those documents in via email. So उन्होंने confirm किया है कि हाँ उन्हें मिल गया है email मिल गया है documents. So she is or he is processing that thing. So that's the status. बट अभी 24 आवर्स हो गए हैं. मैंने उस ईमेल आईडी में फिर से रिप्लाई बैक किया है कि टेल मी व्हाट इज द प्रोसेस, बट मुझे अभी तक कोई कंफर्मेशन या फिर कोई अपडेट, कोई रिप्लाई नहीं है, कोई अपडेट नहीं मिला है. सो दैट्स द स्टेटस. नाउ जंप इन टू व्हाट माय फ्रेंड हैज फेस्ड. तो आज अराउंड 4 बजे मेरे एक दोस्त को पुणे में ही मेरे एक दोस्त को ये ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर डिलीवरी मिला है. तो जब स्कूटर को ये जो डिलीवरी वैन है वहां से बाहर निकल रहा था, तो स्कूटर का सब कुछ ठीक था. तो सब कुछ इन द सेंस कि वो जो पैनल है, वो जो टैबलेट साइज का सामने जो पैनल है वो भी ठीक ठाक चल रहा था, वो डिस्प्ले आ रहा था, स्कूटर भी स्टार्ट हो रहा था, सब कुछ ठीक था. लेकिन उसको उतारने के बाद जब फिर से उसको स्टॉप करके फिर से स्टार्ट करने की बारी आया, तो स्टार्ट तो हो रहा था लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा था. तो फिर कुछ देर बाद स्टार्ट होना भी बंद हो गया. तो हमने उसने ऑब्वियसली ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया कि ये इशू है. तो हम सबने बोला कि शायद बैटरी में चार्ज नहीं है, तो चार्ज करो फिर ट्राई करो स्टार्ट करने के लिए. लेकिन प्रॉब्लम ये था कि वो एज द डिस्प्ले वाज नॉट कमिंग, सो ही वाज नॉट बीइंग एबल टू ओपन द बूट. बूट मीन्स द स्टोरेज स्पेस वेयर द चार्जर एंड अदर एक्सेसरीज वाज केप्ट. सो उसने वो तो ओपन भी नहीं कर पा रहे थे. तो ये सब सीन चल रहा था जब डिलीवरी बॉयज वहां पे प्रेजेंट था, एंड ऑब्वियसली ओला चैंपियन वाज आल्सो प्रेजेंट ओवर देयर. तब ओला चैंपियन ने टेक्नीशियन को कॉल किया, बट टेक्नीशियन एकदम टाइमली आया. विद इन 1 आवर टेक्नीशियन आए. फिर उसने कुछ वायरिंग चेक किया, तो वायरिंग चेक करने के बाद देखा पैनल में जहां से वो कनेक्शन जाता है टू दी डिस्प्ले, तो वो लूज है. तो उसने उसको फिक्स किया. तो फिक्स करने के बाद देन दे हैव स्टार्टेड अ राइड. देन दे टुक द राइड एंड कुछ देर चलने के बाद फिर से वो डिस्प्ले भी बंद हो गया एंड स्कूटर भी चलना स्टॉप कर दिया. फिर क्या हुआ? हाँ, तो स्कूटर भी चलना स्टॉप कर दिया. देन व्हेन ही अपडेटेड दिस थिंग टू दी व्हाट्सएप, सो वी वर फीलिंग लाइक वी आर हाउ प्रिविलेज्ड वी आर दैट वी आर नॉट गेटिंग द स्कूटर. सो ऐसा लग रहा था कि स्कूटर अगर नहीं आएगा हमारे पास और कैंसिल हो जाए तो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि ये डिफेक्टिव चीज है. सबको ऐसा ही लगेगा, हमें भी ऐसा ही लगा. फिर हमें पता चला कि वो जो टेक्नीशियन है, तो उसने माइन्यूटली देखा सब कुछ और उसने फिक्स किया. फिर फिक्स करने के बाद फिर से एक राइड लेना स्टार्ट किया. फिर जब राइड ले रहे थे ही वॉज नॉट फेसिंग एनी इशू. तो आफ्टर दैट टेक्नीशियन उसको डिलीवर स्कूटर देके चला गया. देन मेरे दोस्त और उसका जो ब्रदर है वो एक राइड लिया. फिर उससे पहले मेरा दोस्त उससे पूछा कि फ्यूचर में, हाँ, टेक्नीशियन को पूछा, उससे पहले टेक्नीशियन को पूछा कि कोई इशू आने वाला है कि नहीं फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में, क्योंकि ऐसा इशू पहले दिन ही आ रहा है तो नियर फ्यूचर में भी आ सकता है कि नहीं. तो ही टोल्ड कि नहीं आएगा, लेकिन फ्यूचर का जो है फ्यूचर में ही देखा जाएगा कि आता है कि नहीं. सो लेट मी होप फॉर द बेस्ट फॉर हिम.
एंड देखते हैं अभी हमारा स्कूटर कैसा आता है. यस लेट्स होप फॉर द बेस्ट. होप फॉर द बेस्ट. एंड आफ्टर दैट जस्ट फ्यू मिनट्स बिफोर ही टोल्ड अस दैट यस हम मैंने और मेरे ब्रदर ने इसमें राइड लिया एंड उन लोगों को ये राइड बहुत ही अच्छा गया. मतलब उन लोगों को बहुत ही अच्छा लगा. उन लोगों के पास जो भी पहले का बाइक्स है उस से बेहतर है ये. ये तो फॉर श्योर है कि टेक्नीशियन टाइमली आएगा. yeah. लेकिन जब स्कूटर की स्कूटर ज्यादा हो जाएगा, मतलब अभी तो सिर्फ कुछ ही लोगों ने लिया है, शायद पुणे में मैक्सिमम 30 लोगों ने लिया है मैक्सिमम. वी डोंट नो, वी आर गेसिंग, गिविंग यू अ रैंडम नंबर. सो यस, सो इसलिए शायद मिल रहा है. लेकिन होप फॉर लेट अस होप फॉर द बेस्ट ऑल्सो फॉर दिस थिंग दैट बाद में भी जब स्कूटर की संख्या ज्यादा हो जाएगा देन उस टाइम भी इतना ही अच्छा स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स मिलेगा फ्रॉम ओला सपोर्ट टीम. अनदर एक्सपीरियंस वी वांट टू शेयर हियर. हमारे एक सब्सक्राइबर ने बताया था 29th को कि उनको भी डिलीवरी मिल चुका है इन पुणे एंड वो अपने स्कूटर के साथ बहुत ही हैप्पी है क्योंकि उनके पास भी दो बाइक्स था पहले का, होंडा का एक और दूसरा कोई होगा. तो वो बहुत खुश है अपने स्कूटर को लेके क्योंकि वो बहुत ही स्मूथ चल रहा है एंड it was okay, it was working nicely. Nice. Hopefully the next video will be with our Ola scooter. We don't know what will happen, when we'll get it delivered. So yes, we hope this video was helpful for you. If so, then please give a like, subscribe to our channel, press the bell icon and please share it with your friends and family members, those who are waiting for their Ola scooter. Yes, sharing is very important because it's I think it's a good informative video. So please, if you find it informative, please share it with your friends and family members so that they also get informed. So as of now, bye bye. Bye bye.